श्रेया, आप देख रहे हैं वर्ल्ड मीडिया टाइम्स। बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। प्रयागराज शहर में बेसिक शिक्षा निदेशालय में 69,000 बेसिक शिक्षक भर्ती में आरक्षण के नियमों के उल्लंघन को लेकर दिव्यांग अभ्यर्थी पिछले 10 दिनों से धरने पर बैठे हैं। जहां सरकार के आह्वान पर विकलांग लोग को दिव्यांग नाम से पुकारा जाता है, इन दिव्यांगों की शिक्षा निदेशालय में न तो कोई अधिकारी सुन रहा है और इस कड़कड़ाती ठंड में अनवरत रूप से धरने पर बैठे हुए हैं दिव्यांगजन। अब कोई सुनवाई नहीं होने पर दिव्यांगजनों ने भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है। प्रयागराज बेसिक शिक्षा कार्यालय पर धरने पर बैठे इन दिव्यांग अभ्यर्थियों की मांग है कि उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा भर्ती के 5 दिसंबर 2018 को जारी शासनादेश के तहत जो भर्ती की लिखित परीक्षा 6 जनवरी 2019 को संपन्न हुई और उसका परीक्षा फल 12 मई 2020 को जारी किया गया था, उसमें विभाग द्वारा दिव्यांग आरक्षण RPWD एक्ट 2016 का पालन नहीं किया गया है। इसका पालन किया जाए और बेसिक शिक्षक RPWD एक्ट 2016 का पालन करते हुए नियमानुसार 4% आरक्षण दिया जाए। गोरखपुर से आई दिव्यांग अभ्यर्थी अंकिता पांडे 10 दिनों से अनवरत धरने पर बैठी हैं और मानसिक रूप से इतनी परेशान है कि अब उन्हें दिव्यांग शब्द नहीं चाहिए और वो कहती हैं कि हमें हमारा आरक्षण और नौकरी चाहिए। 75 जिले से आए दिव्यांग अभ्यर्थी कड़कड़ाती ठंड में निरंतर धरने पर बैठे हुए हैं। बेसिक शिक्षा के सचिव ने प्रतिवेदन लिया है लेकिन 10 दिन होने के बाद भी अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमारी मांग है कि जो सीट बची है 69,000 का 4% 2760 सीट दिव्यांग आरक्षण के तहत बनती है और वो हमें दी जाए, अन्यथा हम भूख हड़ताल पर जाएंगे। सर, हमारा जो धरना है वो लगातार आज 10वां दिन है और सर अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हम बच्चे जो हैं वो 75 जिले से आए हुए हैं, 10 दिन से निरंतर धरना कर रहे हैं, हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही है। सर, हम मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित हो चुके हैं कि सर शब्द नहीं कहने के लिए। सर, हमको दिव्यांग शब्द नहीं चाहिए, हमको नौकरी चाहिए। दिव्यांग का सकारात्मक चीज़ जो है वो हमारी नौकरी है। सर, दिव्यांग कहने से हमारे शरीर में कोई पर्सनैलिटी में कोई प्लस पॉइंट नहीं लग जाएगा, ठीक है सर। सर, हम लोग बहुत मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं और सचिव साहब थे उन्होंने प्रत्यावेदन दिया है, 10 दिन हो गए हैं, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सर, सर हम लोग मानसिक रूप से बहुत बहुत ग्रसित हैं सर, बहुत परेशान हैं। सर, आप हमारी संख्या देख सकते हैं सर, 85-60-70 लोग आए हुए हैं, 75 जिले से बच्चे आए हैं। ये बच्चे निरंतर 10 दिन से धरना कर रहे हैं। अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी तो ये निरंतर धरना जो है वो निरंतर अनवरत ऐसे चलता रहेगा। और सर, हमारी मांगे ये है कि जो सीट बची हुई है 69,000 का 4% 2760 सीट है वो हमें दे दी जाए। VIHI की जो सीट है वो OH में मर्ज कर दी जाए और जो हाई जो और जो है वो हम लोग का ओवरलैप करा दिया जाए, ठीक है सर। अंकिता पांडे, गोरखपुर से। बेसिक शिक्षा कार्यालय पर जौनपुर से आए दिव्यांग अभ्यर्थी शिव कुमार मिश्रा ने कहा कि आज हमारा धरना अनवरत 10वें दिन तक जारी है। प्रयागराज के जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन देकर अवगत कराया गया था, बावजूद सुनवाई नहीं हुई। प्रदेश में सरकार द्वारा दिव्यांगों को ट्राई साइकिल देकर सम्मान पद दिया जाता है लेकिन हम लोगों की आवाज कोई नहीं सुन रहा है। आज धरने पर 10 दिनों से प्रदेश के कई जिलों से दिव्यांग अभ्यर्थी आए हुए हैं। इसी धरना स्थल पर अब हम दिव्यांग अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर जाएंगे। सर, हम दिव्यांग हैं और हम 90-97 पास हैं, हम 69,000 भर्ती के अभ्यर्थी हैं। मानक के सरकार के मानक के अनुरूप हमने एग्जाम पास किया है। जब RPWA 2016 कार्मिक मंत्रालय उत्तर प्रदेश से पास है और हमारा 4% का अधिकार है जो हमें सरकार के माध्यम से मिलना चाहिए था, विभाग ने हमको नहीं दिया। मैं मुख्यमंत्री जी से आह्वान करना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी से भी हम अपनी बात रखना चाहते हैं कि जो ट्राईसाइकिल बांटी जा रही है हमको दिव्यांग से, बस कि हम बस यही ट्राईसाइकिल पे ही रहें, हम कुछ अच्छा न कर पाएँ। हमने जब पास किया तो हमें हमारी हमारे हक देना चाहिए उनको। सिर्फ बड़ी बड़ी मजलिसों में बड़ी बड़ी बातें दिव्यांगों के संबंध में सुनने को मिलती हैं, धरातल पर भी तो कुछ हमको मिलना चाहिए। अगर वो हमारी मांग पूरी नहीं करते हैं तो हम अनवरत धरना करते रहेंगे और आने वाले समय में हम भूख हड़ताल पर भी जाएंगे। संभवतः कल या परसों से, हम आज या कल में हम डिसाइड कर लेंगे, परसों से हम भूख हड़ताल पर कन्फर्म रहेंगे।
प्रशासन आपसे मिलने नहीं आया। यहाँ के हमने डीएम साहब को भी ज्ञापन दिया था, सचिव साहब ने हमारा प्रत्यावेदन लखनऊ भेजा, जबकि आज तक उस पर कोई सुनवाई नहीं। हम 10 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, शासन का प्रशासन का कोई आदमी हमको पूछने नहीं आता, देखने ही नहीं आता कि हम दिव्यांगजन यहाँ कैसे जी रहे हैं, किस इस ठंड में आपको सफर कर रहे हैं। मेरा नाम शिव प्रकाश मिश्रा, जौनपुर। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।